डॉक्टर साहब, मौके को गनीमत जानते हुए मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूँ। एक मिथ है कि वो आप बताएंगे मिथ है या हकीकत है कि ये जो सर्दियों की वजह से पानी में नहाने की वजह से, ठंडे पानी में नहाने की वजह से कहते हैं निमोनिया हो जाता है, ये पुराने बुजुर्ग जो ने कहते होते थे, तो क्या वाकई हकीकत है? ये आपने बहुत अच्छी बात की है, ये मैं बल्कि ये बात करना भी चाह रहा था। नहाने की वजह से देखें कुछ भी नहीं होता, बच्चे को नहलाते हैं तो वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारे जो गांव में जो है ना, वो जो नहलाने के तरीकाकार है ना, वो गलत है। या अक्सर जो है ना, वो हमारे घरों में क्या होता है कि जी ये धूप निकलेगी ना तो धूप में नहलाना, अच्छा तो वो नहलाते वक्त हवा लग जाएगी, जाहिर है नहलाते वक्त हवा लग जाएगी और बच्चा बीमार हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर आप रोजाना भी नहलाना चाहते हैं बच्चे को, नहला लें, नो, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके कोई किसी एज में भी आप रोजाना नहलाना चाहते हैं, नहला लें। अच्छा ठीक है, लेकिन उसका यह है कि आप नहलाएं उसको रात को सुलाने से पहले, रात को सुलाने से पहले, और जैसे रूम जो है ना वो थोड़ा सा आपका रूम जो है ना वो गर्म होना चाहिए, उसको टेम्परेचर जो है ना उसका जो है ना वो ठीक कर लें। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी लैबोरेट कर दें, टेम्परेचर कितना रखें सर्दियों में? 25-26, ठीक है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इतना रखें। अगर जो है ना वो रात को उसको नहलाएं, टेम्परेचर उसका रूम का ठीक हो, खिड़कियां और दरवाजे बंद हो, वहां पर ही जो है ना नहला के बच्चे को खुशक करके कपड़े पहना के वहीं सुला दे, कभी ठंड नहीं लगेगी, कभी निमोनिया नहीं होगा। इन्फॉर्मेटिव जो है ना, हाँ जी, एक बात बताइए, तो यही सारा जो है ना, अगर आप ज्यादा नहलाएंगे तो जाहरी बात है बच्चा साफ रहेगा, जरासीम भी इतने नहीं होंगे जी, तो बच्चा बीमार भी कम होगा। बिल्कुल सही, लेकिन वो नहलाती नहीं है कोई भी। और हाँ, एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे यहाँ ना बच्चे को इतने कपड़े पहना दिए जाते हैं, इतना उसको जो है ना वो लोड कर दिया जाता है, इतने कपड़े पहनाए जाते हैं कि बच्चा जो है ना अंदर से पसीने से भीगा होता है। पसीना नहीं आना चाहिए बच्चे को, पसीना आएगा जिस्म ठंडा हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर उसका वो लो हो जाएगा, उसको जो है ना बीमार होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मैं हमेशा जो है ना, मुझसे जब माएं क्वेश्चन करती हैं कि डॉक्टर साहब हम कितने कपड़े पहनाएं, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि माँ जितने माँ ने कपड़े पहने हैं उससे एक कपड़ा ज्यादा बच्चे को पहना दे, ठीक है, वो कंफर्टेबल रहेगा। जबरदस्त बात की आपने, हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब निमोनिया से बचाव के लिए या ARI से अगर हम बात करें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हैं उनसे बचाव हम कैसे कर सकते हैं, जो आपने बताया कि टेम्परेचर हम बैलेंस कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे? उसमें यह है कि जो अगर घर में फर्ज करो अगर कोई किसी को इन्फेक्शन हुई है जी, अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है असल में, ठीक है, जो कि सांस के जरिए फैलती है, तो अक्सर जो है ना हमारे घरों में माओं को कसूरवार ठहराया जाता है कि माँ की वजह से लग गई बच्चे को, माँ की वजह से हुआ, लेकिन माँ की वजह से नहीं। अगर ARI बाप को हुआ है, बाप उसके पास आया, उसकी सांस से वो बच्चा बीमार हो सकता है, अगर दादी को हुआ है या किसी को भी हुआ तो वो इसके पास बच्चे के पास ना आए, या अगर आए भी तो वो मास्क यूज कर ले ताकि बच्चे को ये इन्फेक्शन ना जाए, कुछ ना कुछ बचाव मुमकिन। अगला ये है कि बच्चे को की सफाई का खास ख्याल रखे, ठीक है, होम रेमेडीज जो है ना वो इस्तेमाल करें, ग्रीन टी विद हनी वो यूज कर सकते हैं आप, जो है ना सूप वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, कोई इस तरह का कोई चिकन कॉर्न सूप बना के दे सकते हैं आप, हनी वाटर दे सकते हैं, और जो है ना जितना हो सके अगर बच्चा 2 साल से कम है तो उसको मदर फीड ही कराएं, दूसरा फीड उसको ना कराएं, ठीक है, और साथ साथ उसकी जो है ना वो डाइट, जो वीनिंग हम इसे बोलते हैं जी, कि जो फीड के अलावा
जो दूसरी ठोस गजा देनी है वो आपने 6 मंथ से शुरू करनी है, वो प्रॉपर तरीके से उसको देते रहे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो जो फीड है वो कम होती जाती है, दूसरी ठोस गजा ज़्यादा होती जाती है, लेकिन हमारे घरों में 2-2 साल तक सिर्फ फीड ही कराई जाती है। तो ये माएँ जो हैं ख़ासतौर पे ये बातें डॉक्टर साहब की नोट करें, बड़ी कीमती बातें हैं, और अपने बच्चों को जो है ना इन चीज़ों से, इन्फेक्शन से, नमोनिया से, इनसे महफूज रखें।